नमस्कार मैं वही स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे दोस्तों बहुत सारे लोगों का एक कॉमन कन्फ्यूज़न है कि सर डी में हम गए थे तो वहाँ सिग्नेचर में कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई थी उसके बाद फिर भी फॉरवर्ड कर दिया गया था मेडिकल के लिए भेज दिया गया था मेडिकल में गए तो कुछ देर रोक लिया गया उसके बाद फिर से कराया गया तो क्या होता ना कि हम नए लड़के होते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता मन में और चूँकि जॉब की बात है तो डर बना रहता है जब तक पैनल लिस्ट नहीं आता है कि मेरा पैनल में नाम आएगा कि नहीं आएगा हमारे साथ ऐसा हुआ था हमारे दोस्त के साथ ऐसा हो रहा है तो क्या पैनल में हम लोग छठ जाएंगे सी आ, जो वन है वो दिया गया है आ, जो आपके आ, मेडिकल हुए हैं तो क्या सी वन वाले पोस्ट हैं या नहीं है कितने हैं क्या हैं तो तमाम तरह के जो आपके मन में जब तक आपके पैनल नहीं आ जाते हैं हालाँकि एक चुन का पैनल आ भी गया है हालांकि वो जनरल कैंडिडेट का नहीं है यानी कि जो रनिंग किया उसका नहीं है वो आपके अप्रेंटिस वाले और पी वाले हैं तो बहुत मतलब कि दिमाग में ऐसा कन्फ्यूजन बना रहता है कि जब तक नहीं आता है डर बना रहता है दोस्तों में ये भी नहीं कह पाते हैं कि पैनल में लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा लेकिन इस बार जिस तरह के पैनल जो बुलाए गए हैं कि जितना सीट uh, है उतना ही बुलाए गए हैं तो ऑबियस है कि आपके कोई भी कंफ्यूजन हुए होंगे कोई भी मेडिकल में दिक्कत हुए होंगे एक मिनट के लिए आधा मिनट के लिए दो मिनट के लिए या एक दिन के लिए आपको दोबारा फिर चश्मा लगा के uh, चेक किया गया होगा बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिस दिन गए होंगे मेडिकल में उस दिन उनका uh, जब मेडिकल हो रहा होगा तो उनका uh, आँख जो है वो प्रॉपर नहीं होगा तो उनको बोला गया होगा कि आप चश्मा लगा के आइए तो एक दिन आप उसी शहर में रुक गए होंगे फिर चश्मा बनाए होंगे फिर जा चेक कराए होंगे तो काफी इस तरह के जो चीजें हुई है मेडिकल या डीबी डीबी में भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिसमें फिर आ, कुछ नाम में गई हो गई होगी तमाम तरह के जो जैसा कि अब मैं आपको अभी दिखा देता हूं ऐसे कमेंट आए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि ये मैं बनावटी बातें बोल रहा हूं मैं इस परेशानी को झेला हूँ इस तरह की जो चीजें हैं वो मैंने फेस किया था जब डीबी मेरा भी हुआ था तो उस तरह के जो चीजें हैं वो हुआ था और अभी भी देखिएगा यहां पर एक लोगों ने कमेंट किया है सर मेरा डीबी मेडिकल हो गया है बट कास्ट सर्टिफिकेट में थोड़ा सा नेम मैं दिक्कत है ए फी डी फिट दिया हूँ तो इस तरह के जो चीज़ें हैं कि दिक्कत है एफीडी फिट दिए हैं क्या एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा तो उसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं तो देखिए मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर मेडिकल की आ, पहले बात कर लेते हैं मेडिकल में अगर आपको वहां पे अनफिट ना घोषित कर दिया गया हो तो आपका 100 परसेंट शोर है कि मेडिकल आप पास हैं यानी कि वहीं पे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है कि आप अनफिट हैं या फिट हैं यानी कि बाद में आपको नहीं बताया जाता है कि जब पैनल आता है तब जाके आपको रीजन दिया जाता है कि आप अनफिट है उसी समय आपको सी वन जो भी चीज़ें हैं वो आपको मिल जाती है उसके अकॉर्डिंग हाँ आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सी जो पोस्ट है वो दिया गया है तो सॉरी सी मेडिकल कैटेगरी दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे पोस्ट नहीं है तो मेरा कैसे होगा अगर ज़्यादा कैंडिडेट आ गए तो देखिए कैंडिडेट कहाँ से ज़्यादा आएंगे क्योंकि जितना लोग आ, मतलब कि सीट है उतना ही लोग बुलाए गए चलो एक पॉइंट आपके भी मान लेते हैं कि कैंडिडेट आ गए तो मेरा कैसे होगा तो भाई डी भी सेकेंड आएगा डी भी थर्ड आएगा तो उसमें क्या होगा ना कि आपके नंबर ज्यादा है तो पहले आपकी प्रायोरिटी देंगे और आपकी 100% परसेंट जॉब श्योर है तो कहने का मतलब यह है कि थोड़ी थोड़ी सी बातों के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है जिनका भी डीबी हो गया है थोड़ी थोड़ी सी जल, आ, गलतियां हुई है तो उससे मैटर नहीं करता है आपका 100% पैनल में नाम आएगा ये हंड्रेड परसेंट मैं कह रहा हूँ इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि चूंकि जितना नंबर ऑफ़ वैकेंसी है उतना ही कैंडिडेट को बुलाया गया है और जो भी त्रुटियाँ होती है वो उसी समय सॉर्ट आउट हो जाती है जैसे आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स के लिए अगर कोई गलतियाँ होगी तो आपने वहाँ पर एफिडेविट लगाया तो उसका सॉर्ट आउट हो गया हाँ मन में बना रहता है जब तक पैनल नहीं आता है हाथ में जॉब नहीं होती तब तक मन में बना रहता है तो हमेशा पॉजिटिव रहिए कोई दिक्कत नहीं होगा छोटी छोटी सी गलतियाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता है ये कोई आपका मतलब कि ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल यहाँ पे नहीं है आपकी सिर्फ कैंडिडेटचर चेक होती है कि आप जेनवन बंदे हैं कि नहीं है गलतियाँ तो एक ह्यूमन इधर है इवन वो रेलवे करती है तो आप तो और भी मतलब इंडिविजुअल लेवल पे हैं वो तो मास लेवल पे गलतियाँ करती है कि एक एक जो आप देखेंगे कि नोटिस वगैरह निकालती है तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ निकलती है तो वो जब कल कर, गलतियाँ करती है वो एक्सेप्टेबल है तो आपकी गलतियाँ भी एक्सेप्टेबल देखिए गलतियाँ करना और एक जानबूझ के गलती करना गलतियाँ हो जाना और गलती करने में अंतर है और जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या कुछ ऐसी चीज़ें होती है वो एक प्रकार का ईधर होता है ह्यूमन ईधर होता है हम जितने भी अभी तक मेरे जितने भी जॉब हुए हैं उसमें सभी में कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई है मेरे साथ लेकिन अब, अब, अब ऐसा तो नहीं है कि उसी गलती की वजह से मेरे को जॉब नहीं मिली है ठीक है तो ऐसा कुछ नहीं होता है आप सियोर रहिए आपका जॉब हंड्रेड सिक्योर है ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो मिलता है तब तक के लिए जय हिंद